अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज इस इंटरनेशनल परफ्यूम का रिव्यू लेके मैं आपके पास आई हूँ, वो है विक्टर एंड रोल्फ का फ्लावर बॉम। इट्स फॉर वुमेन एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। ये तीन साइज़ में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड, मिनी एंड वैल्यू साइज़। स्टैंडर्ड साइज़ में अगेन ये तीन साइज़ हैं, 30 ml, 50 ml, 100 ml। मिनी साइज़ में 20 ml, 10 ml, वैल्यू साइज़ में 148 ml। जो मेरे पास परफ्यूम है वो है 50 ml का। 50 ml का तकरीबन $115 इसकी प्राइस थी, पाकिस्तानी 20-22 हज़ार, ठीक है, ये परफ्यूम की प्राइस है। फ्रेगनेंस फैमिली इसकी है वार्म स्पाइसी एंड सेंट टाइप जो है वार्म एंड स्वीट है। अच्छा जी, अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और इसकी फ्रेगनेंस के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बॉक्स को देखें तो ये सबसे अहम चीज़ जो आपको सबसे पहले अट्रैक्टिव लगेगी, ये इसकी सील है जिस पे V&R लिखा हुआ है। ये आपको रिबन की तरह फील भी होंगे जब आप टच करेंगे इसको, ये ठीक है, ये रफ से बिल्कुल रिबन की तरह ये आपको फील भी होंगे बॉक्स पे, ये हर जगह। लास्ट पे ये आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह और ये बाकी सब चीज़ें इसकी नज़र आएंगी, ठीक है। पैकिंग कहाँ से हुई है, किधर से हुई है, यहाँ से आप इसका सीरियल नंबर भी देख के मैच कर सकते हैं कि किस बैच से है, ठीक है। ये आपको मेन इसका पार्ट नज़र आएगा। फिर जब इसके बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो ये अंदर से है एक सैंपल इसका निकला है जी, ये है जी स्पाइस बॉम। ये जो फ्लावर बॉम है, एक फ्लावर बॉम जिसको भी हम अनबॉक्सिंग करने लगे हैं, एक इनका है स्पाइस बॉम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इसका भी रिव्यू दूंगी चेक करके कि ये कैसा है, ठीक है। तो ये हम इधर रख देते हैं। उसके बाद आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से ये बॉक्स, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आपको अंदर से अगर आप देखें तो ये स्टेट बॉक्स नहीं है, ठीक है, ये स्टेट बॉक्स नहीं है। ये अंदर से आपको थोड़ा सा ये डायमंड टाइप शेप का ये नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो हम इसके बॉटल को बाहर निकालते हैं, कुछ अंदर से ये इस तरह से है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया बॉक्स इसका। पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से पैक है, पैकिंग पे तो ये फुल मार्क्स ले गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी इसकी बॉटल की तरफ। बॉटल जो है ये इसका कैप, सबसे पहले जो मुझे परफ्यूम्स में सबसे पहले प्रॉब्लम आता है, पाकिस्तानी मेजॉरिटी परफ्यूम्स में इसके कैप, ये इसका कैप है। मैं पूरे परफ्यूम को इसके कैप से ही ये देखिए होल्ड किया हुआ है और ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको इसके साथ फिर वही उसी तरह से, अगर आप देख सकें तो ये सील नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यही आपको लिखा नज़र आएगा फ्लावर बॉम बाय विक्टर एंड रोल्फ। नीचे आपको इसका ये पूरा स्टिकर और बैच भी नज़र आएगा। अगर ये मेरा कैमरा फोकस करना चाहे तो, आज ये थोड़े कम मूड में लग रहा है। अच्छा जी, शेप इसकी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे वो बॉम की नहीं होती कैप खोले बॉम, बिल्कुल उसकी वही शेप है। हैवी है लेकिन बहुत हैवी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बैग में कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया ये 50 ml है, स्टैंडर्ड साइज़ में भी ये मिडल साइज़ में आता है, तो ये इजीली यू कैन कैरी इट। अच्छा जी, अब इसकी बोतल ओपन करें तो थोड़ा सा ये देखें, थोड़ी सी फोर्स के साथ ओपन हो रही है। ये इसका कैप है, अंदर अगर आप देखें तो छोटा सा मिरर सा आपको लगा हुआ फील होगा। ये जी, अब इसकी नोज़ल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो इसको स्प्रे करते हैं, तो ज़रा ये देखें जी इसकी स्प्रे। सेंट इसकी बहुत अच्छी है, फ्लावर बॉम है, नाम से ही पता है, ठीक है जी। अब इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। टॉप नोट्स में जी स्वीट बर्गमेंट है, टी ट्री है, और फ्लावरी में जैस्मिन है एंड सेंटिफुलर रोज़ है विद सम पिंच ऑफ वनीला, यू कैन से स्वीट स्मेल है। बर्गमेंट इज़ अ फ्रूट, बर्गमेंट जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में मीठा कहते हैं, ये उसके ऑयल से बनता है। टी ट्री है, फ्लावर में जैस्मिन और सेंटिफुलर रोज़ जैसे कि मैंने बताया है। ये इस कदर मर्ज परफ्यूम है, इस कदर मर्ज है कि आप इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच सेंट इज़ दिस, इज़ दिस अ जैस्मिन और रेड रोज़ और टी ट्री और बर्गमेंट और वनीला। वनीला आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है वनीला का ज़रा स्वीट सा टेस्ट होता है, तो ये आप उसको इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बेस्ट सेलिंग परफ्यूम है 2018, 19, 20 आप सर्च कर लें, ये बेस्ट सेलिंग परफ्यूम्स में से है।
टू माई ओपिनियन दिस इज़ मोर फ्रूटी देन अ फ्लोरल, ज़्यादा इसमें फ्रूटी स्मेल जो है वो अट्रैक्ट करती है रदर देन फ्लोरल। बैकग्राउंड अगर इसका आप देखें तो स्वीट सेंट इसकी आपको फ़ील होगी, वनीला सेंट आपको इसकी फ़ील होगी स्वीट सी, और ज़्यादा ये स्वीटी है, ज़्यादा इसमें वलीना 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 वनीला का फ्लेवर इसमें ज़्यादा आता है। उसके अलावा अब इसका अगर लॉन्ग लास्टिंग अगर हम देखें तो ये लॉन्ग लास्टिंग जो है ये अगर आप इसको राइट प्लेस पे अगर आप इसको स्प्रे करें लाइक अंडर योर एल्बो और या ये आप रिस्ट पे अगर आप इसको करें, अंडर योर ईयर अगर आप इसको करें, तो ये 7 to 8 hours तो बहुत आराम से फ्रेश इसकी जाती है। उसके बाद भी लाइट लाइट से इसकी परफ्यूम आपको फील होती रहेगी कि ये जैसे आ रही है, ठीक है। उसके बाद समर परफ्यूम है, विंटर परफ्यूम है, तो ये मैं कहूँगी कि येस इट्स अ समर ऑल्सो, विंटर परफ्यूम भी है, या आप इसको इट कैन बी योर सिग्नेचर परफ्यूम। अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो ये मिनी साइज़ में भी अवेलेबल है, आप पहले 10 ml या 20 ml का चेक कर लें, वो $32 या $55 का आ जाता है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो परचेज़ अ वैल्यू साइज़ विच इज़ $215, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे से अगर पूछें तो ये मेरा एक सिग्नेचर परफ्यूम हो सकता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, बहुत लाइट सी है, बहुत पंचिंग नहीं है, और बहुत एक खूबसूरत सी, बहुत तेज़ फ्लावरी नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, बड़ी एक माइल्ड सी फ्लावरी वनीला टी ट्री और बर्गमेंट का मर्ज सा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मर्ज परफ्यूम है, और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं तो इसको हाईली रिकमेंड करूँगी परचेज़ करने के लिए। मुझे आप जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, मेरे पास और बहुत से इंटरनेशनल परफ्यूम्स हैं, अगर आप उनका रिव्यू सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उस रिव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप काइंडली उसमें से देखिए जो भी परफ्यूम या जिस भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप रिव्यू लेना चाहते हैं, जो उसमें नहीं है उनका भी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका रिव्यू ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट किस परफ्यूम का चाहिए या किस ब्यूटी प्रोडक्ट का चाहिए मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।